Good day, children. So, dear children, today we are going to start a new novel, very interesting and very emotional novel written by Oscar Wilding. We'll be reading some other stories also from this, but first of all, we'll do The Happy Prince. The first part it carries introduction about the statue of the happy prince the happy prince here in the story in the novel is not actually a real character it is about the statue <clears throat> see this is statue which is which stood on a which stands on a pillar right first of all description of the statue will be given let us go through the statue of the happy prince first part the statue of the happy prince stood straight and proud high above the city on a giant column so happy prince ka statue to you see the right and it looks as if it is very proud and it's

एक लार्ज रूबी, लार्ज रूबी बहुत प्रेशर स्टोन होता है इट इज देर द एंटायर टाउन एडमायर हिम इमेंसली पूरे टाउन के जो लोग हैं उसको एडमायर मतलब उसकी ब्यूटी के बारे में बात करते हैं इमेंसली बहुत ज्यादा राइट ही इज एज हैंसम एज अ वेदर कॉक कमेंटेड वन

अपनी अपना स्टेटस बढ़ाने की कोशिश करता है ये सब कहने से और उसके बाद ऐड क्या करता है कंप्लीट कैसे करता है इसको एंड ही ओनली नॉट क्वाइट सो फंक्शनल वो कहता हैं सिर्फ ये हैंडसम ही दिखता है बोट या एयरक्राफ्ट की तरह बट इट इज यूजलेस प्रैक्टिकल नहीं है इट इज नॉट प्रैक्टिकल फंक्शनल मतलब प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअली ही फील दीपुल वु थिंक हिम टू बी इम्प्रैक्टिकल उसको लगता है कि कहीं लोग मेरे रिस्पेक्ट कम ना कर दें मुझे इम्प्रैक्टिकल ना शो कर दें एंड रियली ही हिमसेल्फ नॉट इम्प्रैक्टिकल ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल ही हिमसेल्फ दिस वो बहुत प्रैक्टिकल था मतलब दुनियादारी जैसा जैसा ही था ही वॉज नॉट एज गुड एज द हैप्पी प्रिंस वॉज नाउ वाई कॉन्ट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस ही हैज नो वॉन्ट्स नो और डी नीड्स एंड नेवर ड्रीम्स ऑफ वेलिंग फॉर एनीथिंग सेड अ वाइज मदर एक मदर जो है वो इसको बोलती है अपने बेटे को बोलती हैं कि क्या तुम क्या तुम भी हैप्पी प्रिंस जो था उसको ना तो कुछ चाहिए था कु, ना उसकी कोई जरूरतें थी कोई ड्रीम्स नहीं था कभी वो रोता नहीं था किसी चीज के लिए सो कांट यू बी लाइक दैट हर लिटिल बॉय हैड बीन क्राइंग फॉर द मून वाई शी सेट दिस उसने ऐसा क्यों बोला क्योंकि उसका बेटा जो था ना छोटा सा वो मून के लिए रो रहा कि मुझे मून चाहिए नो बट ये कैन गेट द मून राइट

कोई तो इनसे कोई तो ऐसा है जो इतना खुश है वो किसकी तरफ देख के बोलता है स्टैच्यू की तरफ मे बी जब ये जिंदा रहा होगा मे बी ही वॉज वेरी हैप्पीफाइड विद हिज़ लाइफ द चैरिटी चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द कैथेड्रल इन ब्राइट स्कॉलेट क्लोक्स एंड क्लीन व्हाइट पाइनफोर्स इनसे अब चैरिटी चिल्ड्रन जो चर्च के अंदर से आते हैं वो बाहर आते हैं अपने चर्च से एंड दे व्यक्लेट क्लोक्स यू कैन सी स्कॉलेट इज रेड कलर रेड कलर के क्लोक ये लॉन्ग ड्रेस जो उन्होंने पहनी हुई है गाउन एंड क्लीन व्हाइट पाइन जो ऊपर ये पहने हुए दे आर द पाइन ठीक है एंड दे सेड ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल अब वो बोलते हैं इसको देखकर कि एंजल की तरह लगता है बट वहां पर एक आदमी जा रहा होता है तो वो बोलता है हाउ डू यू नो तुम्हें कैसा पता यू हैव नेवर सीन है उसको आज तक देखा तो है नहीं तुमने पर आ बट ही वी हैव इन आर ड्रीम्स वो कहते नहीं हमें अपने सपनों में इसके बारे में पता है तो दिस मैन द मैथमेटिकल मास्टर दिस मास्टर फ्राउंड फ्राउंड मीन्स गुस्से में आ गया एंड लुक्ड वेरी सिवेर बड़े गुस्से में बोलता है He highly disapproved of children being wistful and dreamy. मतलब उसको इन बच्चों पर गुस्सा आता है कि तुम regretfully he is longing. Wistful means कि तुम बिना मतलब के ही ऐसी चीज जिसको कभी देखा नहीं है उसके लिए उसकी ड्रीम करते हो उसका सपना देखते हो सो ही सेट दिस इज जस्ट यूजलेस प्रेजिंग अ स्टैच्यू इज जस्ट यूजलेस नाउ इट्स चैप्टर टू से लिटिल स्वॉलो वन नाइट इट इज अ स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स लिटिल स्वलो यहां पर टू बर्ड्स की एक स्टोरी है लव स्टोरी है. वन नाइट अ लिटिलो हू वॉज बी है छोटा सा स्वलो जो सोलो एक बर्ड होता वो साउथ की तरफ जा रहा था सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ फ्रेंड्स हैड गॉन वे टू इजिप्ट सिक्स वीक्स अर्लियर उसके फ्रेंड्स जो थे सिक्स वीक्स uh, पहले इजिप्ट जा चुके थे क्योंकि सर्दी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते सोलोस तो वो ऐसी जगह चले जाते हैं जब बहुत ठंड पड़ती है तो ये लोग ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर ठंड नहीं होती तो दे आर माइग्रेटरी मी हाउस्यूज हाउ ही वॉज इन लव विद मोस्ट अट्रैक्टिव रीड अब क्या है कि okay. वो क्यों नहीं गया बिकॉज ही उसको एक बहुत मतलब जो जैसे कम्युनिटी में किसी को निकाल देते है ना जिसको जो अच्छा नहीं लगता ऐसा उनकी कम्युनिटी में से से ऐसे एक बोर्ड उसको प्यार हो गया था ही हैड मेट हर अर्ली इन द स्प्रिंग एज ही वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर चेजिंग आफ्टर अ बिग येलो मॉथ वो एक बार बड़े से येलो कलर का मौत का पीछा करते 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 पानी में नीचे रिवर में उसने स्प्रिंग के सीजन में अर्ली स्प्रिंग के सीजन में इस रीड को देखा था राइट ऑन फर्स्ट साइट ही हैड हैड बीन सो अट्रैक्टेड बाय हर हर स्लेंडर वेस्ट दैट ही स्टॉप्ड टू टू टॉक एक्चुअली रीड इज नॉट अ बर्ड रीड क्या है एक प्लांट है उसको उस प्लांट से प्यार हो गया था ठीक है तो ही हैड स्टॉप्ड टू टॉक टू हर उसे बात करने के लिए वो खड़ा हो गया शैल आई लव यू से रीड टू हिम अब क्या हुआ उसको बोला कि क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूं तो रीड ने अपना सर झुका दिया प्लांट ने अपना सर झुका दिया देन इन अप्रिसिएशन ऑफ अ जेस्ट ही फ्लू राउंड एंड राउंड हर टचिंग द वॉटर विथ making एंड मेकिंग सिल्वर रिपल्स अब ये बर्ड सोलो जो था वो इतना खुश हुआ कि उसने येस कर दी कि वो वहीं आस पास उसके उड़ता रहा उड़ता रहा कभी पानी को टच करता जब पानी में टच करता था रिप्पल होती है ना पानी के अंदर जो गोल 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 रिंकल से बन जाते हैं दैट इज silver रिपल्स बनाता था बार बार दिस वॉज हिस्करिप विच लास्टेड फॉर द एंटायर समर सीजन पूरी समर सीजन जो था इसका ये रोमांस Kurship क्या होता है रोमांस उसका चलता रहा इसके साथ बर्ड का रीड मतलब प्लांट के साथ इट इज एन आउटरेजियस अटैचमेंट द अदर सोलोस बाकी के बोले अनयूजल सी अटैचमेंट है शॉकिंग सी अटैचमेंट है क्या तुमको एक रीड से प्यार हो गया इट्स एक बर्ड को किसी प्लांट से कैसे प्यार हो सकता है शी हैज नो मनी एंड फार टू मेनी रिलेशन हो गए इसके पास तो कोई पैसे भी नहीं है और इसके रिलेशन इतने मतलब इसके आस पास पानी भी है विंड भी है अदर प्लांट्स भी हैं इन डीट द रिवर वॉज इंटायरली चोक्स एंड देयर पॉपुलेशन वॉज एक्सपैंडिंग अब रिवर में क्या था इतने सारे रीड्स हो गए थे कि अब उसको सांस भी नहीं आती थी फाइनली वेन द ऑटम केम अवे अब जब ऑटम आया तो ये सारे उड़ गए उड़ गए क्या सब झड़ गए

कहते अब ये जो सवालो है ये भी सोचता है कि ये भी मेरे से बात भी नहीं करती है मैं क्या करूं आई अफ्रेड दैट शी हैज फॉर शी इज फ्लोटिंग विंड तब वो कहते हैं कि ये रीड जो है हमेशा फ्लर्ट करती रहती है विंड के साथ जब भी विंड चलती है रीड जो है वो इतनी मतलब कि पोलाइटनेस से इतनी कर्टसी से मूव करती है कभी इधर कभी उधर इट मीन इट इज कोर्स जब हवा चलेगी तो जो प्लांट है वो तो मूव करेगा ही हिलेगा ही ना तो द स्वलो इट फील्स एज शी इज द रीड इज फ्लोटिंग विद के चलने से बहुत होती है ये जेलस हो गई उसको नाउ I love traveling and my wife, as a result, should love traveling too. Will you come away with me? We will go to exotic lands. अब ये जो दिस वन ये है ये सोलो नीचे बर्ड से नीचे रीड से बात कर रही है कि मुझे ट्रैवलिंग अच्छी लगती है and और मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ ट्रैवल करे क्या तुम तो मेरे साथ आओगी हम foreign लैंड्स में जाएंगे रीड डि रीड ने क्या किया सिर्फ अपना सर हिला दिया जा सकती थी कोई प्लांट कैसे जा सकता है दिस इज द रीड टॉकिंग टू ठीक है तो वो कैसे जा सकता है यू हैव बीन ट्रिफलिंग विद मी आई एम ऑफ टू दिरास गुड बाय वो कहते क्या कर रही थी अनइम्पॉर्टेंट मुझे समझा था मुझे इतना अन समझा तुमने तुम मेरे साथ मेरे साथ मतलब फ्लर्ट कर रही थी तुम मेरे साथ जाने नहीं वाली थी अब मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के मैं पिरामिड्स की तरफ जा रहा हूँ एंड देन ही फ्लू अवे दिस सोलो फ्लू अवे दिस इज द सेकेंड पार्ट सेकेंड चैप्टर वॉज द स्टोरी ऑफ द लव ऑफ अ बर्ड एंड अ प्लांट होप यू लाइक दिट चिल्ड्रन विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम नॉवल गुड बाय